हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 9:30 हो रहे हैं और सो के उठे हैं। अभी चाय नाश्ता हो रहा है। आज है चाय में, चाय नाश्ते में है मखाने। आ जाओ खा लो। तो गाइस, सुबह सुबह का नाश्ता चाय और मखाने। आ जाओ खा लो, नाश्ता कर लो। काय बेटा, पापा 11 बजे उठे तो तुम भी 11 बजे उठो, मम्मी उठे 11 बजे। हैं? अगर आज पापा 10 बजे उठ गए तो मैं 10 बजे उठ गए यार। हैं? कल 8:30 बजे उठे तब तो साढ़े कल 8:30 बजे उठे, 8:30 बजे उठ गए। क्या सीन है ये? जब आप लोग उठोगे तभी मैं उठूंगा। बाप जैसा बने हो का? हैं? बाप जैसा बने हो। तो गाइस, ये देखिए, आज फिर एक कोरियर मंगा दिया। नए घर में शिफ्ट होने की देर नहीं हुई इस लड़की ने। ये क्या मंगाया तुमने? क्या हो गया तुम्हें एकदम से? हैं? लो पानी पियो, पानी पियो। पर क्या हो गया मम्मी को? क्या हो गया मम्मी को? चक्कर आ गए एकदम से है? तो गाइस, स्वाति की अभी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। एकदम से पता नहीं क्या हुआ, पेट में दर्द हो रहा है स्वाति के। है? तो गर्मी लग रही है, धूप है तो गर्मी लगेगी। इसीलिए कह रहा था, थोड़ा सा लेटी रहती है, आराम करती, आंख बंद करके लेट जाती। नहीं हो रहा? क्या नहीं हो रहा? एकता दीदी आई हुई है अब यहाँ पे। अभी मेरी गाड़ी भी खराब है, नहीं तो गाड़ी से बिठा के ले जाता। अब ऑटो पकड़ने जाना पड़ेगा बाहर। तो ऑटो ले आऊं यहीं पे? ऑटो ले ले ला। क्या हो गया? क्या हो गया मम्मी? कमर टूट गई। उससे टेंशन हो रही है। पता नहीं कमर में कमर टूट गई मौसी की। माँ की दर्द हो रहा है, मजाक नहीं है। अंकुश सक्सेना, इमरजेंसी में बुला लो। एड्रेस इटावा, इटावा ही डाल दो, हो जाएगा। टेंशन ना लो। याद में लगा अभी आना, मिल जा, परेशान नहीं हो। क्या नाम है इनका? उस दिन तो हार्ट अटैक हो गया था। अरे रुक जाओ। एक इंजेक्शन स्वाति के लग चुका है, अब ये दूसरा इंजेक्शन मंगवाया है। अभी तक तो दर्द में कोई आराम नहीं है। अगर एक में दर्द ठीक हो जाता तो दूसरा नहीं लगता, अब दूसरा भी लगेगा तुम्हारा। और अभी ठीक होते ही नाचेगी जैसे चिल्ला रही, देख लो। हाँ, धीरे से, मत कम चलो आवाज कम करो, शांति से लेटो। दो इंजेक्शन हो गए, अब ठीक हो जाएगा। ठंड लग रही, जैकेट तू अपनी लो, पानी पी लो, अल्ट्रासाउंड होएगा। स्वाति, स्वाति पानी पी लो, अल्ट्रासाउंड होएगा। इंजेक्शन लगा, उसका असर नहीं। नींद आ रही, सो जाओ। तो फाइनली गाइस, टेस्ट करा के आ चुके हैं और ये रिपोर्ट आ गई है। तो अल्ट्रासाउंड हुआ था स्वाति का और ब्लड टेस्ट हुआ है। तो अल्ट्रासाउंड में तो पथरी निकलेगी, दो पथरियाँ हैं। अभी एक बार डॉक्टर और बता देंगे तो और अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। अभी डॉक्टर के पास भी चलते हैं। तो फाइनली गाइस, घर पे आ गए हैं। अब स्वाति को आराम मिल गया है, इंजेक्शन लग गया था इस वजह से, और स्वाति के फिर से पथरी निकली है।
पिछली बार पथरी अपने आप निकल गई थी, लेकिन इस बार है 7 mm की पथरी है, लेकिन दर्द स्वाति को बहुत हो रहा था इसलिए चले गए थे हम हॉस्पिटल। अब दवाई वगैरह दिला दी है, खर्चा हो गया बहुत। मैं क्या कह रहा हूँ, अपना सेहत का ध्यान रखो, तुम सही रहोगी तो बाबू सही रहेगा, ठीक है ना बाबू? तुम सही रहोगी तो बाबू सही रहेगा, और दवाई टाइम पे खाओ, जितने पैसे इलाज में लगे हैं इतने पैसे का करो, कुछ बढ़िया खा लेते 4-5 हज़ार रुपये का तो मज़ा आ जाता, इसलिए ख्याल रखो अपना, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखो, मैं अपना ख्याल रखता हूँ, अपना अपना ख्याल रखते हैं, फिर मेरी बस की नहीं है, तुमने तो रख लिया मेरा ख्याल, अपना ख्याल रख नहीं पा रही, आँख में थोड़ी खुजली, आँख घिस दी, आँख लाल होगी, खोल आगे मत घिसा करो, खुजली हुआ करे तो पता नहीं कैसी हो गई। ध्रुव, ए ध्रुव, मम्मी को समझाओ, मम्मी पथरी निकली स्वाति के, खा लो पथरी निकली स्वाति की, 7 mm की है, दवाई दिला ला, दवाई खाने में सही हो जाएगी। देखो मोती दवा खाई। तो गाइज आज का ब्लॉग इस वजह से लेट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हम जहाँ शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा इशू कर रहा है, वीडियो अपलोड ही नहीं हो रही, 17 घंटे दिखा रहा है अपलोड करने में, तो मैं यहाँ पे वाईफाई लगवा रहा हूँ, जैसे ही वाईफाई लग जाएगा उसके बाद वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलेगी। ये देखो जियो एयर फाइबर लग रहा है। तो फाइनली गाइज हमारा वाईफाई लग चुका है जियो का, अब आएगा नेट और आपको टाइम पर मिलेगी वीडियो 11 से 11:30 के बीच में। तो गाइज ये रिपोर्ट आई है स्वाति की, ये नॉर्मल, ये तो डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी हैं यहाँ पे और ये इंजेक्शन लिखा हुआ है, और रिपोर्ट दिखाता हूँ मैं आपको, ये ब्लड टेस्ट हुए थे ये नॉर्मल है, और ये अल्ट्रासाउंड हुआ था स्वाति के, तो लेफ्ट किडनी में ये 7 mm की है पथरी, तो इस वजह से स्वाति के दर्द हो रहा था। तो वाईफाई भी लग गया घर में, डोरेमोन चल रहा, ध्रुव देख रहा है, और अब स्वाति को आराम है, पहले से नहा लिया स्वाति तुमने? वाह नाइस, अब दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, अपना ख्याल रखो यार तुम, यार बाबू यार दवाई खा रही हूँ ना तो अब नहीं हो रहा, अब तुम्हारे साथ मैं नहीं हूँ, ध्रुव भी है इसलिए, तो अपना क्या, पथरी मैंने खुद नहीं की ना, वो पता नहीं कैसे हो जाता अंदर, पत्थर कैसे बन जाते हैं। पानी कम पीती हो, पानी ज्यादा पिया करो, सर्दी में वैसे प्यास कम लगती है तो पानी कई बार पीते भी नहीं है, खाना खाने के बाद भी ऐसा हो जाता है, लेकिन अब गर्मी आ गई है तो जितना पानी पी सको उतना पियो, सुबह 1 गिलास सुबह उठ के पियो और शाम को खाना खाने के बाद एक सोने से पहले 1 गिलास पानी, तो ये पानी पीने में क्या, इतना पानी पियोगी शरीर में जाएगा और पथरी निकल जाएगी। वैसे हमारे पथरी होती, हमारे पास तो दूसरा भी इलाज है, हम पथरी निकाल देते। बियर, गंदी चीज़ें नहीं पीते यार। एक फ़ोन आया था ना किसी का, स्वाति को बियर पिला दो। हाँ मेरे पास फ़ोन आया, कह रहे बियर पिला दो स्वाति को, मैंने कहा यार अभी ध्रुव है नहीं तो पिला देता, कह रहे एक साथ नहीं बोतल नहीं, दवाई की तरह जैसे एक बोतल को 5 गिलास कर दिए, थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो घूट करके पीते हैं, शाम तक में पी ली एक बोतल, ऐसा दवाई दी है ना डॉक्टर, बियर ही दे सबको, डॉक्टर भी कई बार सलाह देते हैं कि बियर पिया करो उससे निकलती है, सबको पता है यार बियर से पथरी निकलती है बात, तो इसका मतलब ये थोड़ी हम डेली पी रहे हैं, पथरी निकल जाए बंद कर दो बस। तो गाइज अब स्वाति की दवाई आ गई, स्वाति को अब आराम करने देते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और मैंने आपको होम टूर नहीं दिखाया था, कल का जो ब्लॉग होगा 100% होम टूर का लाऊंगा, अभी एक दिन तो मैं प्लॉट बनने लग गया था तो वहाँ चला गया था, और कल फिर स्वाति की तबीयत ख़राब हो गई इस वजह से, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी, आज मैं अब बस जाने वाला हूँ होम टूर का ब्लॉग बनाने, वो कल आपको 100% मिल जाएगा 11 बजे। तो इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं, कैसा लगा ब्लॉग लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लव यू ऑल।